हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल शिल्पीज ब्यूटी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हेयर ऑयल, यानी घर पर आप किस प्रकार से इस हेयर ऑयल को बना सकेगा। और आप यकीन कीजिए कि एक महीना होते होते आपके बाल पूरे जेड ब्लैक हो जाएंगे और थिकनेस बहुत अच्छा आपके बालों पर आ जाएगा। मैंने जब से इस तेल को, इस ऑयल को यूज किया है, बाल काफी काले हो गए हैं और बहुत घने हो गए हैं मेरे बाल। सचमुच मैं कह रही हूँ, इसे आप यूज करके देखिए। इसे जो इंग्रेडिएंट्स इसमें है वो सभी आपको अपने घर पर, आपके किचन में आपको मिल जाएंगे। यानी मेरे सीरीज ऑफ वीडियोस रसोई घर से में से ये एक वीडियो है। इस हेयर ऑयल को अप्लाई आप कब कीजिएगा? रात को, यानी नाइट को सोने से पहले आप इसे ट्वाइस अ वीक, यानी हफ्ते में दो बार आपको इसे करना है। अच्छे से आप बालों पर चंपी कीजिए, अच्छे से बालों को और स्कल्प पर लगाइए और इसे अच्छे से बालों को फिर मोर कर रख दीजिए। दो दिन लगातार लगाइए। वीकेंड डेज मैं यूज करती हूँ, यानी सैटरडेज एंड संडेज मैं इसे अच्छे से लगाती हूँ, लगाकर रख देती हूँ दोनों ही दिन। एंड मंडेज को मैं शैम्पू कर लेती हूँ, किसी भी माइल्ड शैम्पू से मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल थोड़े ड्राई हैं इसीलिए मैं हमेशा माइल्ड शैम्पू का यूज करती हूँ। वैसे आप अपने जो शैम्पू, रेगुलर शैम्पू है, उससे भी आप इसे शैम्पू कर सकते हैं। दो चम्मच मेथी यानी फेनुग्रीक सीड्स, दो चम्मच कलौंजी यानी कि ब्लैक अनियन सीड्स एंड 10 से 15 आपको ले लेना है क्लोव्स यानी लौंग। इन तीनों ही चीज़ों को मिलाकर, तीनों ही इंग्रेडिएंट को हमें मिलाना है, मिलाकर एक पेस्ट बनाना है। ड्राई पेस्ट इससे बनाना है हमें। देखिए, एक दरदरा पेस्ट मैंने बना लिया है। ये पाउडर दरदरा है, यानी पूरा पाउडर मैंने इसका नहीं बनाया है, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं इस 100 ग्राम सरसों के तेल में मिलाऊंगी और इसे कम से कम 6 से 7 दिनों तक आपको धूप में डालना है। एवरी डे 6 से 7 दिनों तक आप धूप में इसे रखिए। देखिए, सरसों के तेल का रंग काला हो गया है, रंग इसने अपना चेंज कर लिया है। 7 डेज हो चुका है, आप देख सक रहे हैं। 7 दिन हो गए हैं। कोशिश करना है आपको हमेशा ग्लास के बॉटल में ही रखने के लिए, या ग्लास जार में रखिएगा, उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है और बहुत दिनों तक ये स्टे कर जाता है। देखिए, ये हेयर ऑयल है, इसे मैंने 7 डेज तक धूप में रखा था। इसमें मेन जो तेल है, इंग्रेडिएंट है, वो मस्टर्ड ऑयल है। मेरी दादी माँ अक्सर कहा करती थी कि मस्टर्ड ऑयल से बेस्ट कुछ होता नहीं है अगर वो प्योर है। 3 इंग्रेडिएंट्स में से पहला है मेथी दाना, जिसमें आपको प्रोटीन एंड आयरन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। यानी प्रोटीन एंड आयरन का काफी आवश्यक होता है हमारे बालों को ग्रोथ करने के लिए, बालों को काला बनाने के लिए और बालों में थिकनेस लाने के लिए। इसके बाद है कलौंजी, जिसे हम मंगरेला भी कहते हैं एंड ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। इसमें आपको ओमेगा 3 मिलेगा, यानी ये भी आपके बालों को बहुत ही ज्यादा काला बनाता है और घना बनाता है, जिसका आज का वीडियो मेरा उसी पर है। एंड क्लोव्स, क्लोव्स में एसेंशियल ऑयल से भरपूर है ये, यानी लौंग। इन ये तीनों ही चीजें आपको अपने घर पर हमेशा मौजूद मिलेगी। देखिए, बालों पर आप ऑयल किस प्रकार लगाना है मैं दिखा रही हूं आपको। इस तरह से सेक्शन वाइज बालों को अलग कीजिए और बहुत अच्छे से इस तेल को लगाइए। इस प्रकार पूरा बालों में आप सेक्शन वाइज पूरे तेल को लगाइए 4 to 5 मिनट्स के लिए। अच्छे से मसाज कर लीजिए। देखिए, इस प्रकार से आपको अच्छे से स्कल्प पर मसाज कीजिए। अब पूरे बालों पर आपको इसे लगाना है।
मैंने जब से इस तेल को इस ऑयल को यूज किया है बाल काफी काले हो गए हैं और बहुत घने हो गए हैं मेरे बाल। इसीलिए मैंने आपके साथ इस ऑयल को शेयर किया कि आपको भी फायदा मिले, आप भी इसे लगाइए। इस ऑयल को ट्राई जरूर कीजिएगा, काफी फायदा मिलेगा। और जैसा मैंने कहा आपको कि 1 महीने के अंदर ही आपको आपके बाल बहुत काले नजर आएंगे और हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, यानी बाल आपके बहुत घने हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लगाइए इस ऑयल को और बताइए, आपके कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम सब फिर मिलते हैं।